नमस्कार। आज हमने जो राजनिवास गए थे हमारे एमपी सर के साथ, बहुत बढ़िया से जो है वहाँ पे जो भी मतलब जो भी बात जिस जो है बहुत बढ़िया से हुआ, बहुत अच्छा लगा। सर आप कुछ बताइए। देखो टीडीपी पार्टी हमारा प्रतिशत आने के बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ताकत बढ़ा, देशभक्त दो लोगों का पारा और चंद्रबाबू नायडू ऐसे स्टार है, डेवलपमेंट स्टार है जी। उस व्यक्ति को मैं 92 सीट के काम सीखने गया था। थैंक यू सर। इस पार्टी को तो ऐसा फ्यूचर है, आपके पार्टी में ऐसा यूथ आया, ऑल यूथ एमपीज आया जी, देख अच्छा लगता है। बस हम आपके साथ पूरे टीडीपी पार्टी मतलब आप लोगों के साथ और आपके साथ तो कभी रहेंगे सर। पक्का। बस बहुत अच्छा लगा आज, मतलब बहुत अच्छा से बातचीत हुआ। सारे जो डिमांड्स आपने रखे मतलब एमपी साहब जो डिमांड जितने भी रखे सारे डिमांड्स मतलब जो है एलजी साहब जो है पूरा करने का वादा किया है। और आज का जो हमारे जो भी मतलब जो चीज़ था मसला बहुत अच्छा से मतलब जो है हल हुआ, तो बहुत अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद। हम जो है हमारे एमपी साहब के साथ जो हमारे टीडीपी के जो सेल्वी मैडम और हम शाहुल अमित काउंसलर राउंड नंबर वन, हमने मतलब जो डेलीगेट के साथ हमने गए थे और वहाँ पर मिले और पूरे जो ये है ना नीचे रखा देखे नहीं लास्ट में रखा ये राजनिवास से जो है अब हम बात कर बाहर आ रहे हैं। जैसे को बोला फाइल का नीचे रखा, हम उठ के गया नहीं बोल देंगे। जब वो संबोधित करेंगे सामने तमाम जानकारियाँ मिलेगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। विष्णु दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विष्णु दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विष्णु दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप ऊपर रहिए, वो बोल रहा नीचे रहेगा। विष्णु दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या हालचाल हुआ? बता सकते जी पहले अपने विचारों से। सभी यहाँ उपस्थित सम्मानित व्यक्ति और महिलाएं माताएं, उनको मेरा नमस्कार। आज आपने सुबह से लगातार इस धूप में खड़े हैं विष्णु जी के साथ देकर आज इस आह्वान में आपने पहुंचा है इस आइलैंड के विकास के लिए। जो हम लोग 3-4 दिन से आज देख रहे हैं, पिछले हफ्ते विष्णु जी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उसमें सभी आइलैंडर्स को ठेस पहुंची है। पूरे द्वीपों में डिगलीपुर से लेकर कैंपबेल बे तक सारे जगह पे आज आक्रोश का माहौल है और सारे जगह बंद चल रहा है।
आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हमने मिलकर आए इस विषय में विष्णु जी बहुत अच्छे से बताएंगे। फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ, हम सभी बहुत उम्मीद के साथ आज यहाँ पहुंचे कि हमारा आज इस आइलैंड का विकास जिस तरह से टूरिस्टअप लग गया था उसका विकास आज से शुरू होगा। सही मायने में आज उसका विकास जो विकास पे आज बिंदु लग गया था आज आप भरोसा कर सकते हैं। आज जो हमने हमारा जो प्रतिनिधि यहाँ से 10 जन गए थे उनके सामने एलजी साहब ने सारे कमिटमेंट को मानते हुए और जिस तरह से जो सबसे गंभीर मुद्दा गोल्फ क्लब को लेकर चल रहा है जो बर्मनाला का इश्यूज है उसके ऊपर भी उन्होंने बखूबी से बोला किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, किसी को दुख पहुंचा के नहीं किया जाएगा, उसका सलूशन उन्होंने करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी डिमांड्स नए नए रखे विष्णु जी ने उसके ऊपर भी डायरेक्शन दे दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को। ऑफिसर्स बैठे हुए थे साथ में डीसी महोदय के साथ, काफी सारे सेक्रेटरी थे उनको भी डायरेक्शन दिया। विष्णु जी के सारे रिपोर्ट सारे प्लानिंग जो जो प्रपोजल आज तक हुआ है उस विचार में भी उनको सारे डॉक्यूमेंट देना है और सारे बात बहुत शांतिपूर्वक हुआ है। और सारे विकास के ऊपर जितने लैंड इश्यूज थे खास करके उस विषय में भी डायरेक्शन दे दिया है। जो डाइवर्शन की बात है, जो हमारे जो लोग घर नहीं बना पड़े वो बहुत बड़ा मुद्दा है जायलैंड में चल रहा है, इसके ऊपर एलजी साहब ने साथ ही साथ डायरेक्शन दिया एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए भी बोल दिया है। खास करके आज पीआरआई का मुद्दा जो हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं उसके ऊपर भी विष्णु जी ने सवाल उठाया, सारे मुद्दे पर एक एक विषय को लेकर उसका भी आज आपका लेटर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। संजय सर, संजय बालन जी, संजय बालन सर, संजय सर, संजय सर, संजय बालन सर, हाँ आ रहे, शीला सिंह जी आओ ऊपर आइए। जिस तरह से हम सभी पहले तो हमें मिलने का जब हम लोग गए थे तब यहाँ भारी बैठे विष्णु जी, चलिए वो बात विष्णु जी बोल रहे ठीक है बहुत अच्छा। मतलब जिस तरह से पीआरआई का मैं बात कर रहा था, पीआरआई काफी दिनों से आज 2.5 साल हो गए सभी पीआरआई का फंड को लेकर, रोड के इश्यूज को लेकर, रूरल रोड के मुद्दा को लेकर बात हुई है उसके ऊपर भी उन्होंने बखूबी से डायरेक्शन दी है, इसका विचार करें। सारे पॉइंट्स पर कुल मिलाकर आप सोच सकते हैं आज आपने जो उम्मीद लगाकर यहाँ पर आए हैं उन सारे विचारों पर उन्होंने ध्यान देंगे और अपना पक्ष रखा और उन्होंने डायरेक्शन भी दिया। मैं हमारा साहुल अमित जी भी साथ में हमारे प्रतिनिधि के साथ गए, अपने दर्शक बोलेंगे बाद में विष्णु जी रखें। धन्यवाद, थैंक यू भैया। आदरणीय एपी साहब और हमारे यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब जानते हैं कुछ दिन से मतलब एक बर्निंग इशू है, हमारे जो माननीय एमपी साहब जो है हमारे जो एलजी साहब से मिलना चाहते थे कुछ डिमांड्स लेकर, कुछ छोटा मोटा वजह से मतलब मिल नहीं पाए, बट आज जो है 8 तारीख को जो है समय मतलब जो मिला था मतलब उनसे मिलने का। और सबसे पहले तो आप लोग जो जितने भी अंडमान निकोबार के जो पब्लिक मतलब पोर्टफेयर के जो पब्लिक जो है यहाँ पर आकर जो हमारे विष्णु जी को जो प्यार दिखाया आप लोग ने, सिर्फ वोट नहीं हम सब आपके साथ है करके आज आप लोगों ने दिखा दिया कि दादा आप आगे बढ़िए हम आपके साथ है। और आप लोग जो है मतलब जो उस तरह मतलब हमारे दादा जो है जो वादा किया था इलेक्शन के टाइम में जितने भी वादा किया था आज हमने मतलब कुछ करीब मतलब उनके बाल उनके साथ रह के देखा, हम लोगों ने 10 मतलब जो डेलीगेट्स उनके साथ किया था और हमने भी सोचा नहीं कि मतलब जो दादा इतना प्यार से इतना बढ़िया से दादा मतलब जो वहां पे आज प्रेजेंटेशन मतलब जो रखा था हैंड्स अप दादा। आप हम भी मतलब जो कुछ देर के लिए मतलब सोचे था कि मतलब कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो सकता था, पर आज मतलब जो आपने मतलब इतना बढ़िया से इतना प्यार से एलजी साहब जब आकर बैठे उसके बाद मतलब वो आपके बात सुनने लगे और आपने जो बात मतलब जो विचार मतलब उनके सामने इतना बढ़िया से 4 महीने के अंदर में मतलब जो पूरे आइलैंड का मतलब जो आगे आने वाले 5 साल का भी जो समस्या जितना भी समस्या आगे 50 साल तक का जो समस्या वो जो है आपने इतना बढ़िया से मतलब जो आपने प्रेजेंट किया हमको इतना अच्छा लगा कि मतलब जो है ऐसे ही एमपी हमको मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड में चाहिए था, अब मिला भी है और हम पूरा मतलब पूरा 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 खुशी भी है कि पूरा संतोष है। और एलजी साहब जो हमारे जितना भी प्रॉब्लम सबसे जो मतलब हमारे जो लैंड का जो इशू था
जो आज मतलब बर्निंग इशू है उसका ही मतलब जो आपने बात किया, रजिस्ट्रेशन का बात किया, हर एक चीज का, खास करके जो एयरपोर्ट का बारे में भी बात किया और लैंड कन्वर्जन का जो बात मतलब जो आपने किया, एलजी साहब ने मतलब जो वही टाइम डीसी साहब को मतलब जो आदेश किया कि मतलब जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को मतलब जो है सीएस मैडम भी वहां पर थी मतलब जो इंचार्ज है उनको और मतलब डीसी साहब को वही टाइम मतलब जो आदेश दिया कि जल्द से जल्द मतलब जो है एक टीम बनाकर इसके बारे में मतलब जो विचार रखें और जल्द से जल्द प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब और भी लोग मतलब यहाँ पर बात करने आए हैं तो वो लोग भी बात करना है और एक बार मतलब जो आपने हमें जो मौका दिया यहाँ पे बात करने, बहुत बहुत धन्यवाद। और टीडीपी पार्टी की तरफ से हमारे नारा चंद्रबाबू नायडू जी की तरफ से और हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट माननीय चंद्र जी से बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरे टीडीपी पार्टी, पूरे तेलुगु देशम पार्टी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हर वक्त हर पल आपके साथ है। जय तेलुगु देशम पार्टी, जय बीजेपी पार्टी। थैंक यू, धन्यवाद। म्युनिसिपल काउंसिल का एक अध्यक्ष शिला सिंह जी जो पार्टी बनाए 90 साल में पहले तो दादा के लिए हिप 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 हिप। दोस्तों आज जैसा कि हम लोग पूरा आप लोगों का सहयोग मिला और उसके बाद हम अंदर गए, अंदर भी थोड़ी देर तो तनातनी चली क्योंकि हम थोड़ा जल्दी चले गए थे और अंदर जाने नहीं दिया गया। और दादा को आप जानते हैं लड़ना जुझारू और हमको भी लड़वाना सिखाते हो तो वहां पर खड़ा कर दिया कि लड़ते हुए यहाँ खड़ा रहना है, नहीं जाना है और इसीलिए हम लोग सब उनके साथ डटे रहे। ये था पूरी जो पुलिस की टीम थी और जो हमारे प्रशासन के अधिकारी थे उनकी चिंता यही थी कि दादा अंदर जाकर भी कुछ बवाल न करें और वो हम लोगों से उम्मीद रख रहे थे कि जो आप 10 लोग जा रहे हैं साथ में इनको थोड़ा संभालिएगा, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। उसके बाद में जब अंदर गए एलजी साहब आए बहुत अच्छे तरीके से, दादा ने जितना अपना हमारी डिमांड्स थी बार बार सोशल मीडिया में आप लोग सुनते हो देखते हो चिट्ठी उनकी बराबर डालते रहते हैं वो सारे डिमांड्स को बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ किया उन्होंने विस्तार में बताते हुए एलजी साहब को कि ये सारी प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ के द्वीपवासियों की जिस पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। और एलजी ने भी बहुत अच्छे तरीके से उसको सुना और एक एक मुद्दे पर जवाब भी दिया और उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मतलब हर एक द्वीपवासी को अफेक्ट करती, जैसे लैंड का हमारा कन्वर्शन का मुद्दा है, रजिस्ट्रेशन का मुद्दा है। ये सारे एलजी साहब ने तुरंत डीसी साहब को ये कहा कि ये जितने भी लोगों के एप्लीकेशन आए हैं उसमें कितना किया जा सकता है ये सारी चीजें जांच करके इसका पूरा एकदम काम इसको तुरंत होना चाहिए और उसी तरह से रजिस्ट्रेशन का भी। और इसके अलावा जो हमारी जो चिंता थी कि गोल्फ कोर्ट वहां पे बिडनाबाद और कहीं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की बात थी, ये पूरी डिटेल्स में उन्होंने जानकारी दी। उसकी कॉपी दादा ने मांगी है कि उसकी रिटर्न में जो जितना भी सर्वे रिपोर्ट्स हुई है या फिर आगे कितना प्रोसेस हो चुका है वो पूरा जानकारी मिलना चाहिए। और हम ये मानते हैं कि एमपी साहब को सारी जानकारी मिली तो हम सबको मिल जाएगी, हम सबको मालूम हो जाएगा कि क्या होने वाला है क्योंकि हम सबके लिए वो आगे बढ़कर लड़ रहे हैं। तो वो जो भी जानकारी अगर वो सही नहीं होगी तब भी वो हम तक पहुंचाएंगे ये हम विश्वास करते हैं। और इसके साथ ही जो भी अभी तक का इशू था दादा का उसको भी उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक कहा कि हमारे भी यही चिंता थी कि हम भी इससे पहले जब हम यहाँ से अंदर जा रहे थे तब भी हमने एक बात कही कि अगर केवल हमारे एमपी साहब से जो हमारे पीआरआई मेंबर से उनसे मिल ले एलजी साहब तो उसके बाद हम भी मानते हैं कि हर एक प्रशासन का अधिकारी हो एलजी हो हर एक काम नहीं कर सकता जो हमारी डिमांड है, लेकिन जो काम होना है नहीं होना है या क्या हो रहा है उसके बारे में यहाँ खड़े लोग जो हमारे पीआरआई मेंबर्स है हमारे एमपी साहब है उनको मौका मिलना चाहिए, उनको बताए तो हम सबको मालूम होगा। और इतना अभी तक ऐसा लगा कि ये तानाशाही चल रही थी कि एमपी साहब को भी मिलने का समय नहीं दिया जा रहा था, ये वेदना थी जो आज ये सारे लोग हम सब आज यहाँ पर खड़े हैं और इसकी इसका नतीजा ये हुआ, आपके सपोर्ट का नतीजा ये हुआ कि आज ये बात हमारी सुनी गई। और हम बस यही अपने एमपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो मुद्दे हम लेकर गए हमें जो आश्वासन दिया गया इसको परस्यू लगातार होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आज के आश्वासन के बाद हम शांत होकर बैठ जाए, इन कामों में आगे भी क्या हो रहा है इसके लिए दादा हमेशा आगे रहे और एलजी साहब भी उनको बार बार मौका देते रहे उनको सुनने का और अपनी बात रखने का। धन्यवाद। अभी अभी भद्राजन जी जो हमारा प्रधान जी थे जिसका बस्ती से लड़ाई शुरू हुआ था, एक शांतिल है, वो शांतिल है, वो आदमी अच्छा है,
ऐसा बदमाश मांगता हमको तमिल तमिल வெட்டு போராட்டத்துக்கு பிறகு இன்னைக்கு எழுச்சி அவர்கள் நம்ம எல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு 6-7 பேர் அறிவிச்சாரு பேசுறதுக்கு. அங்க என்ன நடக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சா பேர் ஏன்னா எம்பியவே பார்க்க முடியாதவரு எப்படி நம்ம டிமாண்ட் எடுப்பாரா இங்க ஒரு மன கவலையோடு தான் போறோம். ஆனா அங்க போறதுமே நல்லா அருமையா வரவேற்பு இருந்தது. டிஜிபில இருந்து டிசிமேல இருந்து நிறைய ஆபீசர்ஸ் இருந்தாங்க. அப்புறம் தாதா வந்து ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்லிட்டு இருந்தாரு. கோல்ட் போர்ட்டா இருக்கட்டும், கிரீன் ஃபீல்ட் ஏர்போர்ட்டா இருக்கட்டும், அப்புறம் இந்த பிஆர்ஐக்கு ஃபண்டு குறைவாக கிடைக்குது, அது அதுவாக இருக்கட்டும், அதாவது லேண்ட் டைவர்சேஷன் அந்த கன்வர்ஷன் இதை பற்றி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் தாதா வந்து பேசினாங்க. பேசும்போது என்ன சொன்னார் தாதா, நான் உங்களுக்கு எனக்கு சொந்த பகை பங்காளி பகைலாம் இல்லை, நான் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர், நான் மக்களுடைய பிரச்சனை தான் கொண்டு வரேன், அது நீங்க கேட்டீங்கன்னா கூட பிரச்சனை வராது அப்படின்னு சொன்னார் தாதா. அவர் ரொம்ப இதாக கேட்டுக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் தாதா ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்ல 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 எதுக்கு எல்லாம் முதல்ல பொறுமையா கேட்டாரு, எல்லா விஷயத்தையும் பொறுமையா கேட்டாரு. கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு விஷயமா பேச ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்ப ஒவ்வொரு டிமாண்டா சொல்ல சொல்ல அதுக்கு எல்லாருமே எதுக்குமே அவர் எதிர்ப்பு இருக்கல, எதுக்குமே எதிர்ப்பு இருக்கல, எல்லாமே அடங்க ஒண்ணு கண்ணு பகல் ஆபீசர்ஸ்க்கு எல்லாம் டேரக்ஷன் கொடுத்தாரு, இதை செஞ்சிருக்க இதை செஞ்சிருக்க இதை செஞ்சிருக்க அப்படின்னு டேரக்ஷன் கொடுத்தாரு. அப்புறம் கோல்ட் போர்ட்ல வந்து அதாவது கோல்ட் போர்ட்டுக்கு வரேன் வேண்டவே வேண்டாம் தான் தாதா சொன்னாரு. கோல்ட் போர்ட் வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நாலு நாளைக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு தாதா சொன்னாரு. ஆனா அவர் அவசியம் விஷயம் சொன்னாரு. என்ன விஷயம் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி டூரிசம் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணணும் இதுல வந்து, ஆனா அவங்க உடம்புல எந்த ஒரு கெடுதல் பண்ண மாட்டோம், உடைக்க மாட்டோம், அவங்களுக்கு ஏதாவது அல்டர்னேட்டிவ் பண்ணிட்டு தான் அவர் அப்படி எடுத்தா எடுப்போம் அப்படின்னாரு. அவர் ஆள் உடனே சொன்னா இல்ல இல்லாங்க நிறைய சாகுன் இந்த தேக்கு பிளாட் நிறைய பல ஏக்கர் கணக்கில் கிடக்கு, நீ அதை வெட்டிட்டு அதை அதை வச்சு வெட்டிட்டு அங்கிருந்து நீங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு அதை பேசினாப்ல இதை பத்தி நான் கன்சிடரேஷன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்ல. எப்படி கிரீன் ஃபீல்ட் ஏர்போர்ட் அது நம்ம மக்காபாடு பகுதி தான் வருது, அதுக்காக சொல்லியிருக்காப்ல என்க்ரோச்மெண்ட் எத்தனை வருஷம் என்க்ரோச்மெண்ட் வந்தாலும் சரி அதுக்கு நாங்க ஏதாவது வழி பேச சும்மா விட மாட்டோம், எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் நாங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்ல. ரொம்ப அருமையான ஒரு டிஸ்கஸ் இருந்தது. அதனால யாரும் பயப்பட தேவையில்லை, தைரியமா இருங்க, எதா இருந்தாலும் நம்ம கூட எம்பி இருக்காரு, நம்ம எல்லாம் ஒன்றுபட்டால் உண்டு கொள்வது, நம்ம ஒற்றுமை இருக்கிறதுனாலதான் இன்னைக்கு இவ்வளவு சாதனை செய்ய முடிஞ்சது. அதனால எப்பவுமே தாதா செய்யற ஒரு பணிக்கு நம்ம எல்லாரும் அவருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா நம்ம என்னைக்கு பாதுகாப்பா இருப்போம். நன்றி, வணக்கம். संजय बालन जी है, देखो मेरा राजनीति में जब मेरा कोई नहीं था 1992 की बात है, ये मुझे दिखाया पढ़ाया सिखाया और अवसर था डॉक्टर छोड़ के साथ। अभी संजय बालन जी को सुनूंगा। आप लोग सबका धन्यवाद जो आप लोग आए, ऑर्डर ऑर्डर कुछ कुछ निकला भी था उससे बहुत बिना डरे आप लोग आए, तो आप लोग का सबका धन्यवाद आने के लिए। सारा इशू जो डिस्कशन हुआ ये तो बता ही चुके हैं और बाकी एमपी साहब बताएंगे। एक बहुत बड़ा इशू में भी डिस्कशन हुआ जिसमें एग्री किए हैं देखने का, वो है डोमिसाइल लॉ। ठीक है, तो एमपी साहब बोले हैं कि पहले लोकल सर्टिफिकेट था जिसको मान्यता इवन एडमिनिस्ट्रेशन मानती थी सुप्रीम कोर्ट तक, माना है कि लोकल सर्टिफिकेट को ही माना जाए, तो एमपी साहब ने कहा है कि लोकल सर्टिफिकेट को ही डोमिसाइल लॉ का तहत मिले, लोकल सर्टिफिकेट को ही डोमिसाइल लॉ के तहत लेके आए ताकि यहाँ का नौकरी यहीं के बच्चों को मिले। कन्वर्शन का भी, कन्वर्शन ऑफ लैंड जिसका वजह से बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, रजिस्ट्रेशन भी बंद है, रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण बहुतों का इलाज करने का पैसा नहीं मिल रहा, बेटियों की शादी नहीं हो रही, तो ये डिफिकल्टी देखते हुए जब ये सब बात जी साहब के सामने रखा गया, तो कन्वर्शन का सारा जितना भी एप्लीकेशन पेंडिंग है डीसी को बोले हैं कि उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।
और उसी तरह रजिस्ट्रेशन को आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी डीसी साहब को डायरेक्शन दी है। थैंक यू, सबको नमस्कार। बोलो जय हिंद, भारत माता की जय। बीजेपी जोर से बोलो, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, विष्णु बदराय जी जिंदाबाद। सुनो माँ, सुन लो भी जवाब के रहा था। सुनो, एक तो आप लोगों ने जो मेहनत किया, सुनिए, अंडमान निकोबार में दोबारा शुरुआत हुआ और एक आंदोलन और मूवमेंट शुरू हो गया। आज का मीटिंग का बाद सबको भरोसा हो गया, गरीब के साथ कोई जुल्म नहीं करेगा। आज जो वस्ते का बात हुआ था, कोई इनकोर्समेंट ऐसे काटेगा इनको करके हटवाता ये भी नहीं है। हाँ, बामाला पिमाला आपका जमीन का बगल में भूत भी नहीं जाएगा, जमीन व्यवस्था करेगा आपको, इसे बोल दिया। क्योंकि सरकार मोदी जी को लैंड मिला, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लैंड दिया 650 स्क्वायर किलोमीटर। निकोबार कैंपल बे में ये मोदी है। मोदी जी ने कैंपल बे बनाया, सेकंड सिंगापुर पर हमको देगा, आपको ही देगा, क्या बनेगा क्या होगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमारा कैंपल बे का पेड़ काटने के बदले में हमारा पेड़ ना काटे, आपको जमीन दिया मध्य प्रदेश से 650 किलोमीटर, समझा कितना। और हरियाणा दिया, क्या हमारा बागीचा काटेगा नहीं, चिंता मत करो। अंडमान में फॉरेस्ट्री का है, वो पीमा का बोल दिया, फॉरेस्ट का लैंड है, टिक शगुन है, वो काटने का बोल दिया, वो सुप्रीम कोर्ट बोला, नोट कर लिया, तो लैंड मिलेगा। और आपका जो पीमा के एरिया में एयरपोर्ट है, गल्फ क्लब में सख्त मेरा विरोधी है, बोला विचार करूंगा जेपी साहब, चिंता मत करो। जो लोग किसी बैठा है उसको दोबारा वहां से खाली आसानी से नहीं करूंगा, प्रेसिडेंट नहीं करेगा, ये सब तुमने बोला। दूसरा बात, खास करके उन्होंने और कुछ बोला, डीएपी यूरिया तुमको दे दिया, डीएपी यूरिया मांग किया था, डीएपी यूरिया मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। नड्डा जी लिखा चिट्ठी, रजीव साहब बहुत अच्छा आदमी बन के आज हमारा लिए, और प्रेम से बात हुआ। आज पहला बार जाने से पहले मैं गुरु मंदिर गया, हम अपना बताया कहानी, गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा करना हमारा पार्टी है और कोई नहीं, जो काम करना था पार्टी को करता नहीं, तो मेरा सिर में आ जाता है। मैं सुबह गुरु मंदिर में गया था, संजय बोलता शांत करके आ गया। रमन बागीचा में नीति आयोग ने रमन बागीचा मिडिल अंडमान में जमीन लिया 11 हेक्टर, वह क्या क्या खेलेगा वह आप मत सोचो। तो आप सुना क्या क्या बोला, आपको क्या क्या होगा, बोला रंगना चंग में लैंड लिया था, लैंड लेने का था 80 हेक्टर, गोल्फ क्लब और गोल्फ मीटिंग होगा, वेन्यू होगा, क्या क्या होगा पूछो मत, माइक पे क्या क्या बनेगा, रिकॉर्ड लिया, बोला एमपी साहब ये तो पहले हुआ था आपके पेड़ में, हमारा हम उसको रिव्यू करेंगे, एमपी है पिछले पांच साल पर हुआ, मुझे जानता नहीं मैं एमपी हूँ, साफ पेपर हमको देंगे, रिव्यू करेंगे एमपी साहब, किसी को विस्थापित नहीं करेंगे, समझ गया। नंबर टू, जो डिमांड नाम दिया था और है, हम उनको इज्जत दिया, सम्मान दिया, तारीफ से बात झगड़ा तो हम बोला, गुस्सा कारण क्या है वो आपका मतलब सुन लेना, आपसे गुस्सा नहीं करेगा, प्यार से बात करके आया। नंबर बात जो है पीने का पानी के बारे में बातचीत हुआ, बहुत जल्दी
पोखरसदी का एरिया में जाएगा, एडमिशन गुप्त अनुदान करेगा, बड़ा पानी मिल जाएगा, वो बाद में होगा। घायल के बारे में बिजली बने बातचीत हुआ, उसके लिए क्या करना, टेम्पोररी बिजली पावर सेट खरीदेगा, 50 मेगावाट बाद में आएगा, सोलर का नाम बिल्कुल लेना नहीं, वो बोल दिया, क्यों नहीं बोल दिया। पंचायत का पैसा, पंचायत का पावर, जिला का पावर, सम्मान इज्जत ये काउंसिल का भी मिलेगा मिलेगा मिले, काम जिले में नहीं करेगा, तनख्वाह तो बढ़ेगा, बजट आएगा तनख्वाह बढ़ जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीपों में अंडमान ये जामी यार एयर इंडिया ऑफिस ऑफिस इंडिया एयर इंडिया वो बिल्डिंग को सरकार देंगे, हम लोग को गवर्नमेंट बनाएगा, इनको जितना जमीन अंडमान का सर्वे करेगा, रिकॉर्ड किसी का नहीं है। एमपी बना पहले बार जंगली घाट में 5,000 लोग पत्थर दिया था, कितना इंक्रोचमेंट है, कहाँ इंक्रोचमेंट है, क्या लैंड रिकॉर्ड है, ये दिया था। अलग से एयर इंडिया ऑफिस में डिपार्टमेंट खोलेगा इंक्रोचमेंट एंड सेटलमेंट डायरेक्टर बनेगा, तो पूरा अंडमान के जमीन कितना है, कौन बैठा है, कहाँ का आदमी आया, कितना कब्जा किया, सब रिकॉर्ड गवर्नमेंट को जगह अपने, उसके बाद डिसीजन लेंगे हम लोग उसका क्या करना है। लैंड मिलेगा बट लैंड कब्जा कर दिया पूरा पूरा, कितना पुराना कितना नया वो बाकी तय होगा, सर्वे तो हो जाए, चिंता मत करो। जो अंडमान का आदमी पुराना है उसका जमीन को छुएगा नहीं, जमीन उसको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। देखो भैया मुझे मत चलाओ, अपना कम तक बनो ना, अपना बनो, अपना नहीं बनेगा चलाते रहे। एक बात सुनो, हमने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं, अब हाईकोर्ट जाना नहीं, जो लैंड कन्वर्शन हुआ ना हाईकोर्ट में आ रहा, सिंगल बेंच में आ रहा, जो जमीन कन्वर्शन करना है कर दो, गिफ्ट गिट कर दो, सेलेक्ट कर दो, सीपी कैट में लोग घर बनाया बंद कर दिया, हाउस प्लॉट एकम बरम साफ, तुम्हारा काम हो जाएगा। एकम बरम मीटिंग था ही, एकम बरम का है, एकम बरम था, लोग काम भी हो जाएगा, चिंता मत करो खास करके। और एक बात हुआ था एयर फेयर कम थी करो, बोलिए अंडमान के लोग के लिए, अंडमान लोग के लिए एयर फेयर कम करो, ये भी डिमांड दे दिया। उसके बाद अंडमान में दोबारा पहले का था प्लान कौन बनाएगा, PRI काउंसिल, अरे ये प्लान बनेगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, उसके बाद बनेगा स्टेट प्लान बोर्ड्स विष्णु वगैरह है, उसके बाद जाएगा दिल्ली में बनेगा ITA कमेटी, PM रहेगा हम लोग रहेगा, उसके बाद बनेगा होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी, गृहमंत्री हम लोग रहेगा, इतना कमेटी पास होने के बाद अंडमान में क्या करना वो तय करेगा, ये तय बाकी नहीं करेगा, ठीक है। ये बात फसला हुआ, ये काम करेंगे। नंबर वन भैया आप पिया नहीं, हॉस्पिटल के बारे में अच्छा बात किया, हॉस्पिटल के बारे में अच्छा बात किया, सुन लो और 5 मिनट लगेगा भैया, हम तो सब जानता नहीं, आपको अच्छा जानता है, एक्सपर्ट बनो, हमारे पास बोल के आया, ये शराब नशा हाँ ये सब पूरा पूरा गंजा हीरोइन आता है, पीछे और कोई है, बोल क्या है, कहाँ से आता हूँ बोल के, फिर आपको अभी नहीं बोलेगा, फिर आपको वो अभी नहीं बोलेगा, वो आपको बोल के ये सप्लायर सप्लायर आएगा नहीं, सप्लायर बाहर का भी है, कहाँ से आता, कौन पकड़ता है, कौन जगह में, वो आपको नहीं बोलेगा, आपको भी नहीं बोलेगा, उनको अंदर जमा ये पूरा बंद करेंगे, जो पीने के पीके गांजा पीके ये पीके वो पीके हम लोग को ये नहीं क्यों जाएगा, उसके बाद उसका भी करके भी आया, डिडक्शन कैंप करो सारा पड़ा छूटने के लिए। लास्ट बात बढ़िया बात, अंडमान मेडिकल कॉलेज दिल्ली चलाएगा नहीं, CH चलाएगा, अंडमान मेडिकल कॉलेज चलाएगा कौन, अपोलो नमा चंद्र माता अमृता, यही पास हुआ था, काले बच्चा मर गया हडबे का, एनकॉल का स्टूडेंट 19 साल मर गया, मामूली बुखार हुआ, जीपन गया, डॉक्टर नहीं है, किडनी किडनी खाया संधान क्या क्या कोई बीमारी नहीं है, जॉन्डिस नहीं कुछ नहीं, डॉक्टर नए नए बना वो क्या सुई मारते वो कुछ जानता नहीं, मर गया। ऐसा व्यक्ति ना मरे
डॉक्यूमेंट्स हमको दे दो, और बोल के भी आया था प्रधानमंत्री साइन किया, एडमिशन गलती किया, एडमिशन का मैटर चलाओ, एडमिशन हेल्प में मत जाए, डिपार्टमेंट आता है पेपर से दिल्ली, हम लोग क्यों मरे। इसीलिए अंडमान निकोबार में एप्पल आए, रामाचंद्र आए, मेडिकल कॉलेज चलाए, अंडमान ये कम नहीं हो आपने हम लोग माफ कर दिया जी सबको, क्या आप कार्रवाई करिए, आप काम करिए, अंडमान निकोबार का नौकरी अंडमान बच्चों को मिले, एक अन बनाओ, ये बात हो गया, ये बात हुआ तो कार्रवाई हुआ। बाकी लास्ट बात मैं उनको बोला, एमपी साहब 32 जेट्टी खत्म है, गिर जाए जी सबको बोला 32 जेट्टी मैंने हर वक्त से आपका थोड़ा सा है छोड़ दो, जेट्टी कोई भंडा बना नहीं है, जेट्टी गिर जाएगा मुसीबत हो जाएगा। उन्होंने बात भी सुना। लास्ट बात एमपी साहब, प्रधानमंत्री जी का पत्र चिट्ठी हमको देगा, चिट्ठी आपको देना है, एमपी को बोला है लॉ है पैसे आखिर में फ्री में। लास्ट कहानी बोला, आप सुन लो लास्ट कहानी बोला, गुस्सा में क्यों होता है तो गुस्सा में कहानी बताया। हम बढ़िया प्लेयर्स करता था, प्रेम से बात करता था, पॉलिटिक्स में वो पूछता मुझको, फिर पार्टी में आया था हीरो, आज के दिन में बीजेपी हीरो बनो, फिर बोलता हूँ बीजेपी पार्टी लड़के लेना पड़ेगा, बीजेपी पार्टी खड़ा करो, अब 50 एमपी बन सकते, क्या लग सकता है 50 एमपी बनने लायक हो सकते है कि नहीं है, कर सकता है, चिंता मत करो, ये बात हो चुका है, एलजी जवाब देगा। मैं फिर करता हूँ, आप अंडमान का काम होगा, मैं भी बोल दिया जी साहब, हमारे एक बॉस है दिल्ली में, वो अमित शाह मोदी जी, उसको लिख के देखा है, अब लैंड नहीं लिया, लैंड डेवलपमेंट नाम पर, और मैं विष्णु बदर है अंडमान के एमपी, मोदी के एमपी, और अंडमान का पागल एमपी वो चिल्लाएगा और डेवलपमेंट मजा हो जाएगा। एस्टिमेट कमेटी में मेंबर हूँ, बोल क्या पपीता खत्म शुगर चढ़ा गया, पूरा दोबारा लाओ, फॉरेस्ट के बांग्लो में जो पियर है सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया, कर दो अपना क्या बोला गांधी पार्क जाओ, बीमारी आया डीसी बांग्लो, बीमारी आएगा रेल पहले पे सब दूर करो, ये बोल की भी है सुप्रीम कोर्ट में एक केस बनने से कुछ मुश्किल होगा, फॉरेस्ट का लैंड को देखो कौन कौन क्या करो। आखिर में एक शब्दों से कहानी सुनिया, मैं सचमुच पर अच्छा व्यक्ति था, शांत व्यक्ति था, मीठे मीठा बात करना पड़ता भाषा कमाने के लिए करता था। अचानक मुझे स्वामी जी लोग आया था, कुछ लोग आए थे, मेरी वाइफ को बोला बाहर खड़ा करके, माँ माँ, बोले क्या माँ, हम जाइए अंदर आइए, नहीं क्या जगह बोलो, बोले मांगो दो बिस्ट को, मैं बोले लो, तब 1990 में चले गया दिल्ली में, पार्टी बनाया, जोशी जी आया, फिर पार्टी जब बनाने गया था शेष सिंह बोलते थे सात लोग थे, तो कौन सुनता हम लोग को, सात लोग का जुलूस प्रेम नगर से शुरू कर दिया, फिर लगते ऐसा पार्टी बना, ऐसा संगठन बना, ऐसा अंडमान का शेर बना, आज वो शेर को और बड़ा शेर बनना, शेर को बब्बर शेर बनना, बब्बर शेर, पर शेर चुहा ना बने, शेर मार चुका है, शेर झुका है माघ बाबा के पास, किसी को झुका है, ऐसा बीजेपी को लाओ, ये मेरा प्रार्थना है। देखो मेरा लास्ट 5 साल है, यही है हमारे एक इच्छा, और कुछ नहीं, जाते जाते हमारा पार्टी रहे, देख के जाए बीजेपी आए, विदाउट बीजेपी अंडमान बचेगा नहीं, आप जान लेना, राहुल गांधी अंडमान तोड़ने मांगता है, कांग्रेस पार्टी अंडा को तोड़ने मांगता है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, टाइम्स नौ बोलता है, रायपुरा बांग्लादेश में राहुल गांधी हाथा है, राहुल गांधी अब यही करता है जिंदगी में, राष्ट्रवादी पार्टी, राहुल गांधी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, केरल का पार्टी, हिंदू को मारो काटो राजनीति करो,
कि राहुल गांधी कुछ नहीं भैया, तुम तो बिच्छू है मैं ऐसा बोल दो। अभी हरियाणा में बीजेपी जीत गया, न्यूज आया बाकी गुड न्यूज आएगा, चिंता मत करो। फिर बोले जाए कुछ, मैं गुस्सा तो होता था, मेरा गुस्सा मेरे पार्टी दिया, कोई नहीं दिया मेरा, हम लोग को लोग काम करता नहीं, भगते रहता, सुनता नहीं, हर तो जवाब जान देता है, दिमाग खराब हो जाता है, क्या करूँ, काम होता नहीं। फिर बोला कि साहब आपको आप झगड़ा नहीं करेगा, फिर आप जो माँ क्या है माँ भी मंगने में क्या बोल बड़ा बोला बढ़िया हुआ, अंडमान निकोबार द्वीपों का बढ़िया काम होगा, भरोसा रखो। और फिर बोलता हूँ आप लोग जो आया ना, यह गरीब लोग आने कोई नहीं है, देखो सबका चेहरा में वो चमकता नहीं, सब गरीब लोग है, वो माँ है गरीब लोग है, वो शादी क्या लेके गई थी बोल के वो कौन है जो बदमाश था उसके नाम तुम क्या संदिल, ये दोनों पागल पागल बाबिया हमको पागल हंगामा कर दिया, क्या बोला आप थोड़ा सा मिर्ची बना दी, राकेश कुमार फालतू बात करता अभी एल जी साहब रहे, एलजी साहब रहे हटाने के बाद काम किया नहीं, एलजी साहब रहेगा रुको बाद में बात करेगा, तुम्हारा ज्ञान बात देना, राकेश कुमार को जवाब नहीं देगा, एलजी साहब रहे हमारा काम बने, ये भी बोल दिया मैंने, ये भी मैंने बोल दिया, एलजी साहब को सारी पिक कर दिया, आप आगे पूछो मत, सॉल जॉब करो मत, आज जॉब नहीं ज्वाइन पर पाते की जय। आप सभी आज जो एक माहौल फैलाया गया था, एक रूमर फैलाया गया था कि जो जाएगा वह लाठीचार्ज होगा, कर्फ्यू लगाया गया, 5 लाख से ज्यादा लोग जमा नहीं रह सकते, लेकिन आपने विष्णु जी के आह्वान से उनके बुलाने से आपने इस डर पर पीछे रख के आज सामने आए, ये नतीजा ये पावर है, यही है आपका शक्ति और इसी शक्ति के साथ आप दबाकर पत्थरबाजी होगा। ऐसे कई सारे अफवाह कई सारे लीडर सोशल मीडिया में ढूंढते रहे, कई सारे लोगों ने मैंने पूछा है कि वह जाने से पत्थर मारेंगे, वह जाने से मुझे रोष करेगा, ऐसा कई सारे अफवाह फैलाया गया, सारे को शक्ति आपने जो दिखाई है नवाब के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है, नवाब का विकास के लिए।